खबर कोटा जिले से है, जहां शिक्षा पंचायत राज्य मंत्री मदन दिलावर ने राज्य शैक्षिक अनुसंधान द्वारा प्रकाशित इंग्लिश वर्क बुक के प्रकाशन को लेकर आपत्तियां जाहिर की हैं। दरअसल मंत्री मदन दिलावर को इंग्लिश वर्क बुक के प्रकाशन को लेकर शिकायतें मिल रही थी, जिसके चलते मंत्री दिलावर ने माध्यमिक शिक्षा के निदेशक आशीष मोदी को जांच के निर्देश दिए। इसके साथ ही शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि शैक्षिक सत्र समाप्त होने पर इस पुस्तक को छपवाने का फायदा क्या था, जबकि अब बच्चे इसका उपयोग ही नहीं कर पाएंगे। इसी क्रम में उन्होंने कहा कि यदि समय रहते इस किताब का प्रकाशन किया जाता तो छात्रों को इसका लाभ मिलता। शिक्षा मंत्री दिलावर ने कहा कि किस स्तर पर इस पुस्तक के प्रकाश का निर्णय हुआ, इसकी जांच की जाएगी और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कोटा से तेजपाल बग्गा की रिपोर्ट। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा एक कक्षा नौ की वर्कबुक, जिसको रिमेडल वर्कबुक कहते हैं, वो छाप करके वितरित की गई। दुर्भाग्य है, ये हमारे अधिकारी को ये ध्यान भी नहीं रहा कि इसमें हमारे देश का झंडा लगाया जाए या इंग्लैंड का झंडा लगाया जाए। उन्होंने इंग्लैंड के झंडे का चित्र इसमें छापा है, ब्रिटेन के क्लॉक टावर छापा है और पता नहीं कहां चांद सितारे छापे हैं। और ऐसा लग रहा है जिस प्रकार से जो चिन्ह बने हुए हैं टावर के ऊपर, उससे लगता है कि उन्होंने बाइबिल का चित्र भी छापा है। ये आपत्तिजनक है। दूसरा, जब इसकी जरूरत ही नहीं है बच्चों को, जो बोर्ड की परीक्षाएं हो रही हैं, लगभग समाप्ति की ओर बढ़ रही है, तब इस पुस्तक का वितरण हो रहा है। कहीं ना कहीं कुछ अधिकारियों का मेरा पर इंटेंशन है, वेस्टेज इंटरेस्ट है, इसलिए कोई धन कमाने का षड्यंत्र लगता है। इसलिए मैंने हमारे जो सेक्रेटरी है मिस्टर कुणाल शाह और हमारे डायरेक्टर है मिस्टर मोदी जी, इनको निर्देश दिए कि विस्तृत जांच की जाए, राजस्थान सरकार के धन का दुरुपयोग करने का षड्यंत्र किसका था, कितना धन इसमें बर्बाद हुआ और इनके लिए कौन कौन दोषी है।